कैसी हो बहन? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकान सी रहती है। प्रेग्नेंट हो आप? हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा, आपको पता है प्रेगनेंसी में इंजेक्शन लगते हैं? नहीं मेरे को तो नहीं पता। लगवा लेना, बहुत ज़रूरी होते हैं इंजेक्शन लगाने। ठीक है, अब तुमने बता दिया, मैं लगवा लूँगी। सुनो जी, मैं ये कह रही थी आप मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मेरा चेकअप करवा लो। कैसा चेकअप? प्रेगनेंसी में इंजेक्शन लगते हैं और होने वाले बच्चे के इंजेक्शनों का कार्ड बनता है। ये फालतू की बातें हैं, दुनिया के ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं और हम भी ऐसे पैदा हुए थे, ये कार्ड ये इंजेक्शन दुनिया के चोचले जी, बहुत जरूरी होता है। हमें मत बताओ क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, चल अपना काम कर। कर लिया जी नाश्ता आपने? हाँ हाँ नाश्ता कर लिया। तू है मंदिर? हाँ जी। अच्छा चल ठीक है, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, आपको एक बात बताऊँ जी? बता। वो प्रधान के लड़के की बहू है ना? हाँ। उसे ये भी नहीं पता प्रेगनेंसी में इंजेक्शन लगते हैं। अच्छा। हाँ, और ये भी नहीं पता कि बच्चे को जो इंजेक्शन लगता है उसका कार्ड पहले बनवाना पड़ता है। तुझे कैसे पता? मुझे मंदिर में मिली थी वो। अच्छा तुझे बता रही थी? हाँ जी। सिस्टर नमस्कार। नमस्ते भैया। अरे सिस्टर। हाँ जी। जो गांव की गर्भवती महिलाएं हैं आप सबके घर जाते हो? हाँ जी सबके घर जाते, कार्ड बनाते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप प्रधान जी के घर भी गए हो? नहीं मैं तो नहीं गई। आपको नहीं पता कि उनके घर में भी एक गर्भवती महिला? नहीं मुझे किसी ने नहीं बताया। अच्छा अच्छा, आप वहाँ भी एक बार हो आए तो अच्छा होगा। ठीक है, मैं उधर जा रही थी, उधर होते हुए चली जाऊँगी। हाँ आप जरूर चले जाना। ठीक है। कोई घर में है? है कोई घर में? हाँ जी बताइए। मैं जच्चा बच्चा के अंदर से आई हूँ, मुझे पता चला आपके घर में कोई प्रेग्नेंट महिला है। हाँ जी मैं ही हूँ, आइए बैठिए। आपकी तबीयत वगैरह तो ठीक रहती है? हाँ जी अभी तक तो ठीक है। आपके चेकअप होंगे, इंजेक्शन लगेंगे और आपके कार्ड बनेगा। कैसा कार्ड? उस कार्ड में बच्चे को लगने वाले टीकों की जानकारी लिखी जाएगी। अच्छा मैम, आपका नाम क्या है? कीर्ति। ब्लड ग्रुप क्या है आपका? पता नहीं। आपका वेट कितना है? वो भी नहीं पता। मैम पता होने चाहिए, सब चेकअप तो बहुत ज़रूरी होते करवाने प्रेगनेंसी में। तो मैं कहाँ चेक करवाऊँ? कोई नहीं, वो हम करवा देंगे, आप जच्चा बच्चा केंद्र आ जाना, आपको इंजेक्शन भी लग जाएंगे, आपका कार्ड भी बन जाएगा। ठीक है मैं आ जाऊँगी। चलो ठीक है, पर आपने कोई जानकारी नहीं दे रखी थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था आपके बारे में। आपको कैसे पता चला? दिनेश जी मिले थे, उन्होंने बताया था। अच्छा। हाँ जी। अच्छा मैं चलती हूँ। नहीं नहीं आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं मुझे बहुत काम है। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा, तुम सबका कितना ध्यान रखते हो, तुम्हें आज भी मेरी कितनी फिक्र है। माँ, माँ नमस्ते। नमस्ते बेटा, आ गया तू? हाँ, पिताजी कहाँ गए दिखना रे? देरा नहीं बेटा, ये तो यही घूम रहा है। अच्छा अच्छा। ये के लिए आया? ये रास्ते में खिलौने वाला मिला, मगा चल ले चलूं। ये ठीक करे बेटा, मैं भी सोच रही थी। हाँ। कर्म में ना इसके लिए ये भी ले आया। अच्छा करे बेटा। क्या बात है, बहुत सोहनी चैन है बेटा। पारुल बेटा या ये ले, मेरा बेटा ला तेरे लिए। मैं तो मना कर रही थी माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों ना थी, खूब थी। और के बेरो बेटी हो, तेरा भागते आ रहे हो?
हाँ चल ठीक है भाई। वंशी जी बताओ ना। क्या बताऊं प्रधान जी, अखिल आजकल जुए और शराब में बहुत नुकसान कर रहा है, लाखों रुपए उड़ा दिया। शराब में जुए में नुकसान तो करा, मगर एक बात है मुंशी जी, उसका लड़की लारी का कोई मामला ना है। सो तो ठीक कहा प्रधान जी आपने, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। अखिल कहाँ है? कौन है भाई तू, पहचाना नहीं तुझे? बुला उसको बाहर, उसने मेरे साथ धोखा किया है। मेरे मुंशी जी आओ जरा हिसाब देखो। दूसरे धोखा? कैसा धोखा? उसने मेरे साथ शादी का झूठा झांसा देकर मुझे प्रेग्नेंट किया है, और मुझे पता चला है वो शादीशुदा है। क्या बकवास कर रही है तू? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, और मैं पुलिस थाने जाऊंगी, उसके नाम की कंप्लेन करूंगी, और धोखे का बदला तो मैं लेकर रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं उसे। बेटा शांत हो जा, ऐसा नहीं करा करते। कहाँ की रहने वाली है तू? मुझे बता, जैसा तू चाह रही ना वैसा ही होगा, मैं तेरे घर आऊंगा, ठीक है ना? पप्पा लेटर दे दे दो भाई। अगले भाई मैंने सुना तुम्हारी गर्लफ्रेंड आज घर पहुंच गई। तू टेंशन मत ले, मेरा क्या बिगाड़ लेगी? अरे यार मैंने सुना है पुलिस केस वगैरह करने को सोच रही है यार वो। पुलिस केस? और जब तक मेरा बाप बैठा ना मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे यार वो बात नहीं है, फिर भी केस की टेंशन वेंशन तो होती है ना घर पे। यार तू टेंशन मत ले ना दे, दारू पीने का टाइम हो गया, गाड़ी में बैठ। दो खोलना यार। अरे यार चाबी तेरे पे है ना, ले खुल गई। देख भाई मैंने थारी सारी बात सुन ली, पुलिस में और कोर्ट कचहरी में तुम जाओगे ना तो बदनामी थारी होगी। तू है लड़की वाला, मैं तो तुझे एक ही बात समझाऊं, इसे अस्पताल में ले जा, जो भी खर्चा पानी होगा वो मैं दूंगा, और फिर कर दे इसका ब्याह, जितना भी पैसा खर्च होता होगा जगपाल देगा। और हाँ यह बात अगर तेरी समझ में ना आती हो ना तो कोर्ट कचहरी भी करके देख लिए, पर यो समझ ले या पुलिस भी और या कोर्ट कचहरी भी पैसे वालों की हो। अरे एक बात और बताऊं, तू काम का जी आदमी है, बाहर भीतर जाता रहे, सड़कों पे एक्सीडेंट भी हो जा और मानस मर भी जा, तुझे तो पता एक आदमी के मरते ही घर का नाश हो जा। खैर छोड़ हमें क्या, तूनू बता क्या करना। जो भी हुआ गलत तो है, अब जो आपको अच्छा लगता हो वो कर लो। हाँ जी तुम पागल हो रहे क्या, हमारे कोई इज्जत नहीं क्या? चुप हो जा, जो हम बात कर रहे हैं। एक काम करिए, कल कोठी पे आ जाइए, 5 लाख रुपए ले आइए। तुमने मुझसे झूठ बोला, बाहर तुम्हारा चक्कर चल रहा है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड माँ बनने वाली है, घर आई थी वो। थप्पड़ मारूंगा तेरा अगर मुझसे चाहते जमा लड़ाई तो। भूल गई अपनी औकात? याद दिलाऊं कहां से लाया था तुझे ठाए गए? उसके बावजूद भी तुझे घर में रानी बनाकर रखा, किसी तरह की दिक्कत नहीं होती तेरे लिए? मैं अपने अरमानों का गला घोट दूं, अपने शौक छोड़ दूं? इस गंदगी को तुम शौक कहते हो? बस बस बहू बस बस। ये अमीरों के शौक हुए हैं, अखिल तू अपने शौक पूरे कर। इस मामले को तो दबाया मैं, उसे समझा दिया वो अपना बच्चा गिरा लेगी, कहीं और ब्याह कर लेगी। वैसे मैं बहुत ताकत हो बहू, बहुत ताकत हो, 1 मिनट में समझौता करवा दिया, 1 मिनट में।
अरे 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 क्या कर रही है तू? ऐसी हालत में बोझ नहीं उठाया करते, मुझे बताया कर। बाथरूम में ले जा रही थी, अच्छा ना लगता है। बाथरूम में ले जा रही तो क्या हो गया, मैं रख दूंगा। अरे यार कमाल कर रही है, हद होगी। दिनेश ठीक कहो है बेटा, इस हालत में बोझ कौन है उठाया करे, बच्चे का और अपना ध्यान रख, काम हम कर लेंगे। ध्यान रखिए आगे से। अरे बहुरानी जी सुनो। हाँ बताओ क्या बात है। बहुरानी जी आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। मैं ऐसे घर में काम नहीं कर सकती जहाँ ऐसे काम होते हो, मेरी भी बेटी जवान होती जा रही है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना। नहीं हमें तो माफ कर दो जी, हम तो जा रहे हैं। पप्पल कहाँ मर गया तू? तेरे 10 मिनट ही पूरे ना हो रहे, पिछले घंटे से ही कह जा रहा आप पहुंच गया पहुंच गया पहुंच गया। ठीक है जल्दी आ। जी मैं ये कह रही थी वो काम वाली भी चली गई, मेरे से घर का काम नहीं होता, आप कोई काम वाले ढूंढ दो। थोड़ा बहुत काम कर लेगी तेरा कुछ घट जाएगा, इन हाथ पैरों को भी हिलाया लेकर। जी ऐसी हालत में घर का ज्यादा काम नहीं होता, थक जाती हूँ मैं। कुछ नो रहे तुझे, थोड़ा बहुत काम कर ले जाएगा। पिताजी 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 अखिल पिताजी अखिल पिताजी से कुंड क्या हो गया मेरे पिताजी से कुंड क्या जी। मैंने आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि पेशेंट ने अगर शराब नहीं छोड़ी तो लीवर डैमेज हो जाएगा। अब मोस्ट प्रोबली 100% लीवर डैमेज हो चुका है। डॉक्टर साहब आप किसी भी तरह मेरे बेटे को बचा लो। अब इसका एक ही उपाय है, लीवर ट्रांसप्लांट। लीवर ट्रांसप्लांट? हाँ जी। अब आप ये देखो कौन देगा। डॉक्टर साहब आप मेरा लीवर ले लो, बस मेरे पति को बचा दो। आप प्रेग्नेंट है, आपका लीवर ट्रांसप्लांट के लिए नहीं ले सकते। तो डॉक्टर साहब मेरा लीवर निकाल लो पर मेरे बेटे को बचा लो। देखिए जगपाल जी, लीवर आपका ऐसे नहीं लिया जा सकता ट्रांसप्लांटेशन के लिए, पहले आपका चेकअप होगा फिर देखेंगे कि ठीक है या नहीं। तो डॉक्टर साहब जांच करा लो, मेरा चेकअप करा लो। ठीक है हम आगे का इलाज स्टार्ट करते हैं, आप काउंटर पर जाकर 20 लाख रुपए जमा करवा दो। हाँ हेलो सलीम। हाँ सलीम डीलर। हाँ भाई एक काम कर दे, तुझे तो पता ही है ना। हाँ हाँ जगपाल सिंह बोल रहा हूँ, तुझे तो पता ही है ना मेरे पास कितनी गाड़ियाँ हैं, उनका मॉडल कौन सा है। हाँ भाई तू इन्हें सारू को बेच दे, तू मुझे 20-25 लाख रुपए का इंतजाम करवा दे। अरे तेरे पे जितने भी हैं उतने का इंतजाम कर दे, मैं तेरे पास से पैसे उठा लूंगा। ठीक है तू पैसे का इंतजाम करवा। कुछ तो हुए यशराज भाई, मुझे 10 लाख रुपए की बहुत सख्त आवश्यकता है। मेरा बेटा अस्पताल में भर्ती है, जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। प्रधान जी पैसे तो मिल जाएंगे पर 10 का ब्याज लगेगा। प्रधान जी बेटा बहुत बीमार है, 50,000 रुपए की बहुत जरूरत है। पैसे तो मिल जाएंगे पर 10 रुपए सैकड़ा का ब्याज लगेगा। ब्याज दे दूंगा यशराज, तो मुझे 10 लाख रुपए ला कर देते। ठीक है
पैसे मिल जाएंगे आपको। डॉक्टर साहब पैसे ले आया डॉक्टर साहब। मैं जगपाल जी माफ कीजिए, आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। भाई यार अखिल के साथ बड़ा गलत हो गया भाई। क्या हुआ? अरे वो दारू वारू पी बैठा, बहुत दारू पीने लगा था इस वजह से। बाकी एक्सीडेंट में मर जाता। नहीं ऐप तो गलत है ही, पर बाकी ऐसा नहीं करना चाहिए। इतनी ज़्यादा माँ बाप का भी ध्यान रखना चाहिए। की बात होगी भाई? अरे भैया वो ना था कि प्रधान का लड़का अखिल, हाँ वो मर गया। हैं कैसे? ये कुछ ना दारू पी था, लीवर खराब हो गया, मर गया। अच्छा जी, बहुत गलत हो गया भाई। गलत तो होगा, जब दारू पी के अपना जीवन खुद बर्बाद करेगा तो उसका कुछ क्या करता है। देखो अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा दोनों ही चीज़ होती है। लौटना बढ़िया था वो अखिल, बहुत बढ़िया लौटा। फिर बताइए बहुत बढ़िया प्रधान जी। दारू तो पी था। हैं दारू तो पी था, तो दारू ज़्यादा पीने लगा था। गलत है भाई। प्रधान जी आपका बेटा तो गुजर गया, हमारे पैसों का क्या होगा? मेरा अखिल जैसा भी था उसका जिम्मेदार मैं हूँ, पर मैं उसके सिर पे एक भी कर्ज नहीं रहने देने का। तुम लोगों का एक एक पैसा चुकाऊंगा। कितने पैसे हैं तुम्हारे? प्रधान जी मेरे 50 लाख रुपए हैं। प्रधान जी उसने मेरे से भी 50 लाख रुपए ले रखे थे। 20 लाख रुपए मेरे हैं। देखो मेरे पास अब कोई नगद पैसा तो है नहीं, ये कोठी है, मैं इसे तुम लोगों के नाम कर दूंगा। इसे बेच के अपना अपना पैसा वसूल कर लियो। कागज तैयार करवा लें हम? मैं कल तक अपना कोई रैन बसेरे का इंतजाम कर लूंगा। तुम लोग कल हस्ताक्षर करवा लियो और अपना कब्जा ले लियो। ठीक है, ठीक है। मुंशी जी अब आप भी अपना कोई और काम धंधा देख लो। काम तो प्रधान जी मैंने देख लिया, जब खाते में ढिल्ला नहीं तो मैं इस बही खाते का क्या करूंगा? संभालो इसे, और मेरे भी तो लाखों रुपए हैं, उसका क्या करोगे? मुंशी जी मेरे पास अब कोई और पैसा तो है नहीं, बस ये एक चैन और कुछ अंगूठियां है, इन्हें बेच के अपना पैसा आप भी ले लियो। लो मुंशी जी। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। प्रधान जी हमें भी आज्ञा दे दो, हम क्या करें अब? शमशू, कुलदीप, मेरा तो अब खुद कोई सहारा नहीं है भाई। मैं तुम लोगों की तनख्वाह कहां से दूंगा? तुम लोग भी अपना कोई और काम देख लो। प्रधान जी जैसा हम खाते हैं रूखा सूखा वैसे आप खा लेना, आप हमारे घर पर चलो। शमशू मेरे तो जो नसीब में लिखा है ना मुझे भोगना पड़ेगा। प्रधान जी जैसे कर्म करे ना कोई उसे यही भोगने पड़े, मुझे तो भोगने पड़ेंगे भाई। तूने बहुत बड़ी बात कही। जा शमशू जा, जाओ। प्रधान जी नौकरों वाले घर की चाबी है ये ले लो आप। राम राम। नमस्कार जी। देखो जी जो होनी थी वो तो हो गई,
होने पर किसका जोर है। अब तो आगे क्या करना कैसे करना वो देखो। देख लो जी, जो करना आपको ही करना, जैसा चाहो वैसा कर लो। आप लड़की के पिता हो, उसे अपने साथ ले जाना चाहते हो तो अपने साथ ले जाओ, मेरे पास छोड़ना चाहते हो तो मेरे पास छोड़ दो। अब बाकी तो बिटिया ही फैसला कर ले कि उसे क्या करना है, पूरा जीवन पड़ा है उसका तो। नहीं पिताजी, मैं यहीं रहूंगी, मेरा जीवन यही है। इस घर में मेरी डोली आई, अड़ती भी इसी घर से जाएगी। इस घर का वंश मेरी कोख में है, मैं उसी के सहारे अपना जीवन काट लूंगी। बेटी, तेरे सामने बहुत लंबा जीवन पड़ा है। मैंने सोच लिया, पिताजी को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है बेटी, जैसे तेरी मर्जी, अपना ध्यान रखिए, वैसे हम भी दून ना हैं। ठीक है जी, नमस्कार। ठीक है बेटा, अब तू भी अपना सामान उठा ले, हमें घर तो खाली करना ही है, नौकरों वाले घर में जाकर रहेंगे। जा बेटा, सामान पैक कर ले। वही मिलेगा दिया जो तूने और कहां से आएगा, दुनिया को जब बांटे हैं कांटे, फूल कहां से पाएगा, फूल कहां से पाएगा। वही मिलेगा दिया जो तूने और कहां से आएगा, दुनिया को जब बांटे हैं कांटे, फूल कहां से पाएगा। बहू चाबी, आज उस घर की तुझे सौंप रहा हूं, जिस घर को मैं कभी देखने भी नहीं आया। यहां मेरे नौकर चाकर रहा करते थे, किस्मत ने आज मुझे कहां लाकर खड़ा कर दिया। जा बहू जा।